हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस, इसकी हिंदी समरी को देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी समरी की, तो वालिया माई के बारे में, वालिया माई नाम की एक लड़की थी। छोटे रूप में उसे वेली कहा जाता था। वो 8 वर्ष की थी। वो बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना चाहती थी। वो घर के बाहर खड़ी होती, वह देखती कि क्या बाहर क्या हो रहा है। उसने खेलने वाले साथी नहीं थे। वली की बस में घूमने की इच्छा, चीज़ों को देखने से वली को काफ़ी असाधारण तजुर्बे देखने को मिले। उसके गांव और समीप के कस्बे के बीच में एक बस चलती थी। वली को नए यात्रियों को देखने में काफ़ी अधिक खुशी प्राप्त होती थी, इसलिए दिन प्रतिदिन वह बस को देखा करती थी। शीघ्र ही उसने उस बस में सवारी करने की इच्छा विकसित कर ली। बस की सवारी के बारे में वली का विचार, वली की बस में सवारी की इच्छा तेज और तेज हो गई। उसने सोचा कि यदि एक मित्र बस की सवारी के बारे में बताए तो वह उसके अधिक महत्व तो नहीं देती थी। वो अंग्रेजी का शब्द प्राउड प्राउड कहती, यद्यपि उसे उसका अर्थ मालूम नहीं था। सवारी के बारे में वैली का ज्ञान, वैली उन व्यक्तियों की बातें सुनती थी जो बस की सवारी करते थे। इस प्रकार उसने यात्रा के बारे में छोटी छोटी बातें भी जानी। वह अब जानती थी कि कस्बा 6 मील दूर था। एक तरफ का किराया 30 पैसे था। सवारी का समय 45 मिनट था। वह यह भी जानती थी कि वह कैसे वापस आएगी। इस प्रकार उसने सवारी करने से पहले योजना बनाई। वली बस में वसंत के एक सुंदर दिन वली ने दोपहर पश्चात सवारी की। कंडक्टर खुश मिजाज व्यक्ति था और मजाक करने का शौकीन था। वह समझ गया कि वली गर्व से बोलती थी। उसने या दूसरों को कहकर कि मैडम के लिए रास्ता बनाओ, वली को सामने की सीट दे दी। बस में सिर्फ 6 या 7 यात्री थे। वे वली को देख रहे थे। वे कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली ने उसे अपमानजनक महसूस किया। वली द्वारा अंदर और बाहर की हर एक वस्तु का अवलोकन, वली ने बस में हर एक चीज़ का अवलोकन किया। इसमें सीटें नरम और आरामदायक थी। सामने वाले शीशे के ऊपर सुंदर घड़ी लगी हुई थी। उसने बाहर देखा, परंतु पर्दे के कारण उसे सीट के ऊपर खड़ा होना पड़ा। बस एक नदी नहर के किनारे जा रही थी। उसने ताड़ के वृक्ष, पहाड़ और नीला आकाश देखा। दूसरी तरफ हरे खेत थे। बस के अंदर क्या होता है, अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वली को बच्ची कहकर खड़ा ना होने के लिए कहा। वली को गुस्सा आ गया। उसने गर्व से उत्तर दिया कि वह बच्ची नहीं थी। उसने दूसरों की तरह पूरा किराया दिया था। कंडक्टर मजाकिया था। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताया कि वली एक पूर्ण विकसित मैडम थी। वली ने कंडक्टर की तरफ गुस्से से देखा। उसने उसे बताया कि वह मैडम नहीं थी। वह उस तब उसने उसे टिकट भी नहीं दिया था। कंडक्टर ने उसे एक टिकट दे दिया। वली को कंडक्टर की सलाह, कंडक्टर ने वली को आराम से बैठने के लिए कहा। उसे खड़े नहीं होने चाहिए, परंतु वली ने कहा कि वह खड़ा होना चाहती थी। उसने उसे बताया कि वह गिर जाएगी और उसे तीखे मोड़ पर चोट लग जाएगी। उसने वली को बच्ची कहा। इस पर वली ने कहा कि वह बच्ची नहीं है। उसे बताया कि वह 8 वर्ष की थी। वली और एक बुजुर्ग महिला, अगले स्टैंड पर एक बुजुर्ग महिला आई और वली के बराबर में बैठ गई। महिला ने पूछा कि क्या वली अकेली थी। वली ने महिला की तरफ देखा। उसे बद्दी कान की बालियां पहन रखी थी। उसने मुंह में सुपारी थी। सुपारी का रस उसके मुंह से बाहर आने को था। इस पर वली ने उत्तर दिया कि वो अकेली थी और उसके पास एक टिकट था। कंडक्टर ने भी यही कहा। वली ने उसे कहा कि वह अपना काम क्यों नहीं कर रहा था। फिर वह कंडक्टर के साथ हंसी। वली महिला को कैसे डांटती है। महिला ने वली को बताया कि उसके लिए अकेले सवारी करना ठीक नहीं है। उसने वली को उसके घर के बारे में पूछा। वली ने उत्तर दिया कि उसके बारे में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ मोड़ लिया। वली ने सवारी की कैसी योजना बनाई थी। वली ने कुर्बानियों के साथ बहस की यात्रा के दौरान 60 पैसे चुकाए थे। उसने खिलौने और गुब्बारे आदि खरीदने की इच्छा का विरोध किया था। उसने एक झूले में झूलने की अपनी इच्छा को भी मारा था। उसने अपनी पहली यात्रा की योजना को काफ़ी समय पहले से बनाया था। इसके बारे में योजना बनाने के लिए वह अपने घर के सामने खड़ी रही थी। बस की चाल अब बस एक रूखे सूखे भद्रिश्य के बीच गुजरी। वृक्ष उनकी तरफ दौड़ते थे। जब बस चलती, कभी कभी बस आने वाली गाड़ी के साथ टकराई दिखाई देती थी, परंतु दोनों सुरक्षापूर्ण गुजर जाती थी। बस के सामने एक गाय अचानक ऊपर उठी। पूंछ के साथ एक गाय बस के सामने आई। बस रेंगने के स्तर पर धीमी हो गई। ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया, परंतु गाय ने बस के सामने दौड़ना जारी रखा। वली ने खुशी से तालियां बजाई। वह हंसती रही। कंडक्टर ने उसे अगले दिन के लिए कुछ हंसी बचाने के लिए कहा। बस का शहर में पहुंचना, बस एक रेलवे फाटक के बराबर से गुजरी, फिर एक आम रास्ते पर आ गई। वहाँ पर बड़ी और चमकीली
दुकानें थी वहाँ पर व्यक्तियों की काफ़ी भीड़ थी। वली ने हर एक वस्तु को मुँह खोल कर देखा। अंत में बस कस्बे में पहुँच गई। कंडक्टर ने वली को उतरने के लिए कहा, परंतु उसने कहा कि वह उसी बस में वापस जा रही थी। उसने कंडक्टर को टिकट के लिए सिक्के दे दिए। कंडक्टर ने वली से पूछा कि क्या बात है। वली ने उसे बताया कि कुछ नहीं, उसकी इच्छा बस की सवारी की हुई। कंडक्टर ने उसे पूछा कि क्या वह दृश्य को नहीं देखेगी। वली ने उत्तर दिया कि वह उससे डरती थी। उसने उसे पूछा कि वह बस में आने के लिए डरती नहीं थी। बातचीत जारी रहती है। कंडक्टर ने वली को एक शीतल पेय लेने के लिए पूछा। वली ने बताया कि उसके पास काफ़ी पैसे नहीं हैं। उसने टिकट के लिए पूछा। कंडक्टर ने अपनी तरफ से पेय की पेशकश की, परंतु वली ने पेशकश स्वीकार करने से मना कर दिया। कंडक्टर ने वली से पूछा कि क्या उसकी माँ उसे नहीं ढूंढेगी। वली ने उत्तर दिया कि उसे कोई नहीं ढूंढेगा। उन्होंने वापसी यात्रा के लिए प्रतीक्षा की। रास्ते में मरी हुई गाय बस फिर चल पड़ी। फिर वहीं आश्चर्यजनक नज़ारे थे। वली ओकताई नहीं थी, परंतु सीधे उसने सड़क के किनारे एक मरी हुई पड़ी युवा गाय को देखा। उसने किसी तेज चलने वाली गाड़ी से टक्कर मार दी थी। वली की प्रतिक्रिया, वली ने कंडक्टर से पूछा कि क्या मरी हुई गाय वही गाय नहीं थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। कंडक्टर ने सिर हिलाया। वली उदास हो गई। गाय पहले प्यारी और सुंदर दिखती थी, परंतु अब यह इसकी मृत्यु में भयानक दिख रही थी। यात्रा का अंत की बात करें तो बस चल पड़ी। मरी हुई गाय की याद वली को सताती रही। अब वह और बाहर देखना नहीं चाहती थी। वह एक उदास व्यक्ति के रूप में सीट से चिपक कर बैठी रही। बम गांव पहुंच गई। वली ने कंडक्टर को फिर मिलने के लिए कहा। कंडक्टर मुस्कराया। उसने वली को उसका मन बस में सवारी के लिए जब कभी नहीं बने आने के लिए कहा। उसने अपने साथ किराया लेना होगा। वली हंसी और उतर गई, परंतु गाय की मृत्यु ने वली को बदल दिया। वली का घर पहुंचना। वली घर पहुंच गई। उसने साउथ स्ट्रीट में रहने वाली अपनी चाची को अपनी माँ के साथ बात करते हुए पाया। वह वास्तविक रूप में बातूनी थी। उसने वली से पूछा कि वह वहाँ गई थी। वली ने उत्तर नहीं दिया, वह सिर्फ मुस्कुराई। वली ने अपनी माँ को यह कहते हुए सुना कि कोई भी हर एक वस्तु के बारे में जान सकता, काफ़ी चीज़ें घटित होती है। वली ने सकारात्मक उत्तर दिया। अपनी माँ और चाची की बातचीत वली ने चाची को प्रतिक्रिया की। उसने वली को एक नदान लड़की कहा। वह उन वस्तुओं में आनंद लेती थी, उसने उसका कोई मतलब नहीं था। वह ऐसे व्यवहार करती थी जैसे कि वह एक पूर्ण महिला हो। वली स्वयं के लिए मुस्कुराई। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके मुस्कान को समझे। उसका कोई अधिक अवसर भी नहीं था।